टेस्ला के मालिक एलन मस्क का मोस्ट पॉपुलर हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब भारत में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इनफैक्ट भारत सरकार ने टारगेट किया है कि भारत में जो भी हाइपरलूप के रूट्स हैं उन सभी को बुलेट ट्रेन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऐसी ही एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुंबई से लेकर के हैदराबाद के बीच में चलने वाले हाइपरलूप प्रोजेक्ट को अब कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया है, लेकिन अब वहां पर एक नए बुलेट ट्रेन परियोजना को इंट्रोड्यूस कराया गया है। और सरकार ने भारत में हाइपरलूप प्रोजेक्ट को बंद करके एक बड़ा फैसला लिया है जिसके कई बड़े फायदे हैं, आगे इस वीडियो में बात की जाएगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात की जाए, मुंबई से हैदराबाद के बीच में लगभग 711 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर अब एक अलग ट्रैक बिछाया जाएगा जिस पे सिर्फ बुलेट ट्रेन ऑपरेट होगी। यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मंजूरी दे दी है इस नए प्रोजेक्ट के लिए, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट भी रेल मंत्रालय के 8 बुलेट ट्रेन या फिर कहें हाई स्पीड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा मुंबई से हैदराबाद के बीच में बनने वाले बुलेट ट्रेन में लगभग 11 स्टेशन को शामिल किया जाएगा और NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस पूरे प्रोजेक्ट की DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। वहीं चलने वाली इस नई बुलेट ट्रेन को 10 कोचेस के साथ में तैयार किया जाएगा। टोटल 11 स्टेशन होंगे और एक बार में एक ट्रेन के अंदर लगभग 750 यात्री सफर करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 1998 हेक्टेयर भूमि की जरूरत पड़ेगी, जिसके अधिग्रहण में कोई भी दिक्कत ना आए इसलिए केंद्र और राज्य सरकार से पूरी मंजूरी ली जा चुकी है। फिलहाल हैदराबाद से मुंबई के बीच में यात्रा करने में जो ट्रेन से समय लगता है वो 12 से 14 घंटे का लगता है, जो लगभग 711 किलोमीटर की दूरी है। वहीं सड़क यात्रा से 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन बुलेट ट्रेन के आने के बाद ये सारी दूरी का समय घट जाएगा और सिर्फ 3 से 3.5 घंटों में बुलेट ट्रेन इन दोनों सिटीज के बीच की दूरी आसानी से तय करा देगी। और अब बात करते हैं भारत में हाइपरलूप प्रोजेक्ट को क्लोज क्यों किया गया। आपको बता दें, हाइपरलूप प्रोजेक्ट अभी भी एक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है और जिस हिसाब से इसकी मैक्सिमम स्पीड बताई गई है 1000 से लेकर के 1200 किलोमीटर प्रति घंटे, वो अभी तक अचीव नहीं की गई है, बल्कि 200 से 250 के बीच में अभी हाइपरलूप के टेस्ट ही किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट ग्लोबली मार्केट में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो भारत में सक्सेसफुल होने के भी कम चांसेस हैं। फिलहाल IIT मद्रास ने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइपरलूप्स को बनाया था। आने वाले फ्यूचर में भारत में भी हाइपरलूप जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी ये इंटरनेशनल मार्केट में इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन से इसको रिप्लेस कर दिया है। आपका क्या कहना है भारत सरकार के इस बड़े फैसले के बारे में और आपके हिसाब से किन और रूट्स पर बुलेट ट्रेन को ऑपरेट किया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।